अगली खबर बलिया से। यूपी के बलिया में होली के दिन बीजेपी के बूथ अध्यक्ष की बेटी की गला काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस द्वारा अनावरण में मृतिका का प्रेमी ही निकला उसका हत्यारा। पुलिस ने इस मामले में हत्या करने वाले प्रेमी आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से हत्या में इस्तेमाल किया हुआ चाकू, खून लगे कपड़े और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। घटना बांसडीहा रोड थाना क्षेत्र के सरा गाँव का है। बूथ अध्यक्ष की बेटी को उसके घर से बुलाकर गेहूं के खेत में ले जाकर गला काटकर हत्या कर फरार हो गया आरोपी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर मीडिया के सामने घटना का खुलासा किया है। बीजेपी नेता का कहना है कि हमारे पार्टी के बूथ अध्यक्ष की बेटी की हत्या की घटना पर जब मैं गांव पहुंचा तो लोगों ने बताया पुलिस सबको बिना पंचायतनामा भरे ही थाना लेके गई, जिसके बाद जब मैंने थाना अध्यक्ष से पूछताछ की तो उन्होंने मुझे धक्का देकर हटा दिया। हालांकि इस मामले में पुलिस इनके आरोप से इनकार कर रही है। पहले से इनकी दोस्ती थी और जो पूछताछ में और घर वालों से और इससे भी पूछताछ हुई है तो इनके आपसी नज़दीकी संबंध थे, बाकी किस हद तक थे तो नहीं कहा जा सकता। अभी तक जो तफ्तीश हुई है, जानकारी की गई है, अभी तो अभियुक्त अनु राजभर ही इस घटना के पीछे है और इसके द्वारा जो घटना में जो चाकू का इस्तेमाल किया गया था और जो कपड़े पहने हुए था वो सब इसकी निशादेही पर बरामद कर लिए गए हैं। ये कहना उचित नहीं है कि पंचायतनामा नहीं किया गया। बिना पंचायतनामा के पोस्टमार्टम नहीं होता है और पुलिस मौके पर ही महिला आरक्षी और महिला जो आसपास की महिलाएं हैं उनकी मदद से मृतका के शरीर पर आई चोटों को उसके द्वारा नोट करके ही वहां से और जो वैधानिक कार्रवाई है वो करते हुए ही इसमें पंचायतनामा कराया।